YouTube चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स आज हम मास्क बनाना आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त है ये मास्क है, जैसा कि इंट्रो में आपने देखा है ये मास्क पूरे चेहरे को कवर करता है और बारीकी के साथ कवर करता है। ये यहाँ तक आपके नोज़ तक आ जाता है और बहुत एक्सपेंसिव ये मास्क मार्केट में मिल रहे हैं। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे इंशाल्लाह हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो फिगर्स मैं इसमें काउंट नहीं करता, लेकिन मिनिमम आप कम से कम अगर 10 मास्क भी अगर बना के मुख्तलिफ लोगों को आप डोनेट करें तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारी भी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि तकरीबन 10 के करीब आपने ये मास्क ज़रूर बना के हमारे माशरे में अपने इर्द गिर्द आपने गरीब ऐसे लोग मास्क नहीं बाय कर सकते, उनको आपने डोनेट करना है ताकि वो भी अपनी लाइफ से बचा सकें। तो इसका बहुत ईजी मैथड है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें ये इलास्टिक चाहिए, इसमें आपने ये इस किस्म का इलास्टिक लेना है। ये बिल्कुल इजी मार्केट में अवेलेबल होता है और आप इनको यूज़ करके, ये है तो थोड़ा सा अच्छे वाला इलास्टिक जो आम नॉर्मल यूज़ होता है वो अगर लेंगे तो कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए आपने इलास्टिक अच्छे वाला बाय करना है। तो आप फ्रेंड्स इसमें हमें फ्रेंड्स 4 पीस दरकार है, तो इनका साइज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आपने ये नोट कर लेना है। साइज़ अगर आप नोट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। 5 इंच का फ्रेंड्स ये विड्थ में साइज़ है और इसकी जो हाइट है वो हमने 6.5 इंच देनी है। ये हमारे 2 पीस हैं, ये देखें ये हमारे 2 पीस हैं और इसी तरह हमें 2 पीस और दरकार हैं जिनकी विड्थ जो है 7.5 इंच है और इनकी हाइट भी 6.5 इंच है। अब फ्रेंड्स हम इनको इस तरह रख लेते हैं, ये हमारे इस जगह ये शेप आ गई। तो फ्रेंड्स हमने इनको इस तरह ऊपर तले बिछा लेना है। बिछाने के बाद यहाँ से आपने फ्रेंड्स तकरीबन हम 1.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, इस जगह पे आप 1.5 इंच का निशान लगा लें और यहाँ पे तकरीबन 1 इंच का निशान लगा लें। अब यहाँ से आपने इस तरह ये राउंड शेप बना लेनी है, ये हमारी राउंड शेप बन चुकी है। इस राउंड शेप को हम इन्हें यहाँ से इस तरह गोल कटिंग कर लेना है। ये इतना ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्टली आपका बने, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है गुलाई में तो नो प्रॉब्लम, ये कवर हो जाती है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, यहाँ से आपने 4.5 इंच पे अपना निशान लगा लेना है। तो ये हमारा निशान इस जगह पे लगेगा और इस निशान को आपने ये इस तरह यहाँ तक कर्व दे लेना है। ये हमारा कर्व आ गया और इस कर्व को आपने सिर्फ यहाँ तक मेंटेन रखना है और यहाँ से आपने इस कर्व को बिल्कुल सीधा कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इजी मेथड है, ये देखें ये हमारी शेप बन चुकी है। फ्रेंड्स इलास्टिक के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, मुख्तलिफ जो इलास्टिक हैं उनकी लंबाइयों में भी थोड़ा बहुत फ़र्क हो, तो इसलिए मेरे पास ये हल्का, ये देखें स्मूथ इलास्टिक है और अच्छी क्वालिटी का इलास्टिक है। तो इसकी जो लेंथ है मैं तकरीबन 27 इंच के करीब रख रहा हूँ, तो इसको हम यहाँ पे 27 इंच पे ये देखें हम इस जगह पे कट कर लें। मैंने तमाम पैमाइशें आपके साथ बहुत डिटेल के साथ और बहुत आसानी के साथ शेयर की हैं ताकि आपको किसी किस्म की इसमें परेशानी ना आए। तो ये देखें अब हमारा ये स्टफ़ मुकम्मल हो चुका है, अब बाकी हम सेविंग मशीन पे जाके इनको रेडी करते हैं। तो जी फ्रेंड्स अब सेविंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये छोटा पोर्शन ले लेते हैं, जो छोटा हमारा एरिया था जो छोटी हमने कटिंग की थी पीस की वो हम लेते हैं और हमने कर्व में जो हमने कटिंग की हुई है इस कर्व में हमने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। और आपने इसमें ध्यान ये रखना है कि आपकी सिलाई जो शेप हमारी है बिल्कुल वही मेंटेन रहे। ये देखें फ्रेंड्स बिल्कुल इस तरह सेम, बिल्कुल ईजी
इजी मेथड है, आपने इसको फॉलो करना है। आप फ्रेंड्स इसी मेथड को फॉलो करते हुए जो हमारा बड़ा पीस था हमने इस पे भी इसी तरीके से जो हमारी राउंड शेप बनी हुई है सेम इसी को हमने फॉलो करना है। आधा इंच इस पे भी वही मार्जिन है और वो मार्जिन हमने सेम स्टिचिंग में अप्लाई कर देना है। तो ये देखें फ्रेंड्स हमारा ये दोनों पोर्शन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि हमने जो हमारे रफ एरिया हैं वो हमने ऊपर की तरफ रखने हैं और नीड पोर्शन हमारे नीचे की तरफ होने चाहिए। तो हमारा जो छोटा पोर्शन है ये हमारा ऊपर की तरफ है, ये देखें यहाँ से आपने सिलाई के साथ सिलाई मैच कर लेनी है और जहाँ पे हमारा एंड पॉइंट है ये देखें इस एरिया से हमने स्टार्ट करना है और इस जगह पे आपने अच्छे तरीके से पक्का कर लेना है सिलाई को ताकि हमारी सिलाई यहाँ से खुले नहीं। और यहाँ से हमने जो सेंटर हमारा है सेंटर के साथ सेंटर मिला लेना है और उसके बाद अब हमने सेम वही मेथड हमने अपनी सिलाई को इस जगह पे मुकम्मल करके इस जगह पे हल्का सा पक्का कर लेना है ताकि यहाँ से हमारी सिलाई निकल ना सके। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है इसी तरीके से हमने जो हमारा नीचे वाला एरिया है इस पे भी हमने सिलाई अप्लाई कर लेनी है और यहाँ पे भी सेम हमारा वही आधा इंच का मार्जिन हमने रखना है। तो लास्ट पे आके हम इसको सिलाई को पक्का कर लेते हैं ताकि हमारा टांका यहाँ से निकले नहीं। तो ये देखें हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो चुकी है। एक्स्ट्रा ऑनली जो थ्रेड्स हैं इनको हम रिमूव कर लेते हैं ताकि हमारी फिनिशिंग बरकरार रहे। और अब हम अपने इस मास्क को सीधा कर लेते हैं। तो अब ये देखें हमारा फिनिशिंग का जो एरिया है ये फ्रंट पे आ चुका है। अब हम इस पे आयरन अप्लाई करते हैं और आयरन अप्लाई करते वक्त बस आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ आपकी सिलाइयाँ लगी हुई हैं आपने इन सिलाइयों को अच्छे तरीके से बिठा लेना है, ये देखें इस तरीके से। और ये जो हमारी सिलाई लगी हुई है यहाँ से हमने इसको सेम इसी सिलाई को प्लेट्स की शक्ल दे लेनी है और इसका कॉर्नर्स जो है वो हमने बाहर निकाल लेने हाथों की मदद से। और ये देखें इस तरीके से आपने इस प्लेट को इस तरह बिठा लेना है। अपनी जो चारों साइडें हैं वो हमने बिल्कुल सेम इसी तरीके से बिठानी हैं। ये देखें फ्रेंड्स हमारा ये पोर्शन भी बिल्कुल इजी इससे सीधा हो चुका है। अब लास्ट हमारा जो चौथा कॉर्नर है उसको भी हम इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे आयरन फाइनल हो चुकी है। अब यहाँ से एक बैंडिंग करने के बाद आपने दूसरी बैंडिंग कर लेनी है सेम यही जिस तरह हम शलवार में नेफा बनाते हैं, बिल्कुल ईजी मेथड इसी तरीके से आपने इसका टर्न कर लेना है। ये देखें फ्रेंड्स बस ये है कि आपका ये टर्न आपकी जो छोटा पीस है उसके ऊपर आना चाहिए। अब इस जगह पे हमने लगा देनी है स्टिचिंग और अच्छे तरीके से नीचे से भी पक्का करना है और ऊपर से भी जहाँ से आपने सिलाई को एंड करना है वहाँ पे भी पक्का कर लेना है ताकि आपकी सिलाई यहाँ से खुले नहीं। तो ये देखें फ्रेंड्स हमारा मास्क तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम अपनी इलास्टिक को इंसर्ट करते हैं। इलास्टिक हमारी 27 इंच में है और अगर आप बड़े साइज़ में मास्क बनाना चाहते हैं तो फिर इलास्टिक आप थोड़ी सी बेशक बढ़ा सकते हैं। मास्क का साइज़ ये ठीक है, अगर आप बहुत हेल्दी साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप इनमें एक इंच और आधा इंच का मज़ीद इजाफा भी कर सकते हैं। वो आपके फेस पे डिपेंड करता है कि फेस में आपका कितना ज़्यादा, ये नॉर्मल जो हमारे फेस होते हैं उन पे ये तो साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखें अब इस तरह दोनों तरफ से हमने अपने इलास्टिक को निकाल लिया और इलास्टिक निकालने के बाद ये देखें यहाँ पर हम इसको पक्का कर लेते हैं। यहाँ पे इस जगह पे आपने आयर अपनी सेविंग मशीन से अच्छे तरीके से रफ सिलाइयाँ लगा लेनी है, ये इसलिए कि हमारा यहाँ से इलास्टिक खुले नहीं और यहाँ पे हमारी इस जोड़ पे मजबूती आ जाए। तो ये देखिए हमारा इलास्टिक इस जगह पे पक्का हो चुका है। अब इस इलास्टिक को हमने इस नेफे के अंदर डाल देना है ताकि हमारा इलास्टिक बुरा ना लगे, जोड़ बुरा ना लगे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स हमारा मास्क रेडी हो चुका है और ये आम मार्केट की निस्बत एक तो मज़बूत भी है और दूसरी ये बात है कि हमारा ये मास्क हमारे पूरे फेस को कवर करता है, हमारे सांस
जहाँ जहाँ से हम सांस लेते हैं वहाँ से लेके हमारी ठोड़ी तक इसको कवर करता है, तो इसलिए ये मास्क बहुत परफेक्ट है। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। सदका जारिया समझ के इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख के इस्तेमाल करें, और अल्लाह ताला आपको और हमें हम सब वायरस से निजात अता फरमाए। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सोने रब्दे हवाले।